हमारे चैनल टीवी समाचार 24 को अभी सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन भी दबाएं। हाल ही में बिग बॉस सीजन 13 से डेबोलिना भट्टाचार्य जी को जाना पड़ा। जी हाँ, उनको शो से एविक्ट नहीं किया गया है बल्कि उनको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, जिसके लिए वो बिग बॉस के घर से चली गई और उनकी वापसी भी हो सकती है, ऐसा खुद बिग बॉस के ही होस्ट सलमान खान ने कहा। खैर, बाहर आते ही डेबोलिना से जुड़ी हुई एक खबर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही थी कि उनको किसने इंजर्ड किया है। तो भाई, इसकी पूरी जानकारी खुद डेबोलिना भट्टाचार्य जी ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए बाहर आते ही सबसे पहले दे डाली। दरअसल एक ट्वीट शेयर किया गया था डेबोलिना फैन क्लब के द्वारा, जहां पर लिखा गया था कि एक नेगेटिव कैंपेन चल रहा है ट्विटर पर, जिसमें लिखा गया है कि भाई कौन रिस्पॉन्सिबल है इस इंजरी के लिए। तो वहीं इस पर लिखा गया कि आसिम रियाज इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डेबोलिनाज बैक इंजरी, इट वॉज विशाल बिकॉज ऑफ होम शी गॉट इंजरी एंड इट वॉज नॉट इवन इंटेंशनल। यानी कि आसिम रियाज की वजह से डेबोलिना को बैक इंजरी नहीं हुई थी, विशाल की वजह से हुई थी, लेकिन वो पूरे तरीके से इंटेंशनल नहीं था। इतना ही नहीं, इस पर डेबोलिना ने कहा, हाँ ये सच बात है, ये पूरे तरीके से एक्सीडेंटल था, तो मैं किसी को भी ब्लेम नहीं करना चाहूँगी। लव यू ऑल, विल कम बैक सून। यानी कि वापस जल्दी आएंगी डेबोलिना, उन्होंने ये कहा। खैर, डेबोलिना ने खुद बता दी है पूरी सच्चाई उनकी बैक इंजरी की। अब आप क्या कहना चाहेंगे डेबोलिना की वापसी को लेकर, हमें नीचे कमेंट सेक्शन के जरिए ज़रूर बताइए। और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल टीवी समाचार 24 के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।